ग्रह पर आज उसका पिता का जो देहांत हुआ है, उसका शो रखा हुआ है, और उसकी जो क्रिया के प्रति आप आए सभी को धन्यवाद देते हैं। कुछ कार्य करने से पहले हम आग्रह करें हमारे पंडित हरीश शर्मा जी प्रार्थना द्वारा, तो फिर यहाँ से आगे कार्य करेंगे। पंडित जी के साथ में होकर, जबकि जीवन एक लक्ष्य है, ऊपर तलवार गिनने को नीचे अंगार, पीछे काल, आगे आपका भविष्य, ना जाने कब मृत्यु हो जाए, किसी की नहीं मालूम। इसीलिए यही प्रार्थना करके, हे परमात्मन, जो ओम प्रकाश गांधी जी के पिताश्री की जो शव रखी गई यहाँ पर, जितने परिवारगण वितिलेबू बनवलेबू से परिवार के साथ होकर आज सम्मिलित हुआ है शोक सभा में, यही प्रार्थना कर मेरे साथ हो जाए। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभनं सुरेशनं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवाहनं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगेन्द्रार्गम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ गंगा गीता च गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्मविद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसन्ध्या मुक्तगेहिनी आर्द्रमात्रा सच्चिदानन्दा भवदी विनाशिनी विदत्तरै परानन्ता द्वारज्ञानमञ्जरी इक्कीस ब्रह्मांड की मंडल है, और वो अपना काल के अनुसार, जैसे कि काल ऊपर है, प्रकृति जो है, जो माया दुर्गा अष्टभुज की दुर्गा, उसके नीचे फिर आती है ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके नीचे और आती है 31 करोड़ देवता, क्योंकि उनके अनुसार लेकिन काल जो व्यक्ति जैसे कि 4 वेद 18 पुराण 6, 7, 14 प्रतिशत वो ज्ञाता है और ज्ञानी है और ज्ञान रखता है और गुरुमुख भी करता है, लेकिन वो व्यक्ति को मुक्ति नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति 4 वेद से और ऊपर जाता है और सदगुरु जान लेता है, वही व्यक्ति को मुक्ति प्रदान होता है। जैसे ज्ञान होती, नॉलेज बच्चों को पढ़ाया जाता है, इत्यादि डिग्री आदि कर लेते हैं, मास्टर्स आदि कर लेते हैं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, और वो ज्ञान फिर पढ़ाई के आदि के अनुसार जो भी ज्ञान है वो करते हैं इत्यादि। लेकिन वो ज्ञान से ये शरीर का जो 84 योनि का भटकने का ये सब बीच में फॉल होता है। तो यहाँ पर जो प्रकृति माया नहीं चाहती है कि ये जो भक्त है आत्मा और परमात्मा के साथ होकर जो नियम बरकरार रखते हुए वहां तक पहुंचे, तो बीच में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म, जो क्षर पुरुष है वो काल निरंजन है और जो परमात्मा है वो अक्षर पुरुष है, और जो पूर्ण ब्रह्म है वो पूर्ण ब्रह्म सर्व जगह व्यापक घटाकाश संभात है। अगर आप जीते जी यानी कि उत्तम मार्ग को नहीं ग्रहण किया है और उसको मुक्ति का साधना नहीं किया है, तो व्यक्ति फिर 84 लाख योनि भटकता है, फिर मनुष्य योनि मिलता है, फिर भटकता है, फिर मनुष्य आदि मिलता है। लेकिन इसको बताया गया है कि अगर बोले पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, क्या है मन, क्या है और अनहद क्या है, और ये सब जानना जरूरी होता है। अगर नहीं जानते हैं तो फिर 84 को भटकना पड़ता है। लेकिन अब विषय आती है, सब लोग गुरुमुख होते हैं, गुरुमुख किया है इत्यादि, ज्ञान ले लिया है, लेकिन जो कर्म साध्य इत्यादि जो संक्षिप्त कर्म है पिछले जन्म का, ये जन्म में आते हैं और जो अभी करते तो आगे मिलता है। और इसी प्रकार जो कर्म के साथ होती है, ये कर्म सबको बांधती है, और कौन है ये अष्टभुजंगी दुर्गा, सबको नचाती है। तो इसी प्रकार से काल निरंजन 1 लाख रोजाना भोजन को तैयारी करता है खाने के लिए, और कल के लिए 1.5 लाख तैयारी करता है हमारे भोजन के लिए, 1.5 लाख तैयारी करता है काल निरंजन, एक एक योनि में ढकेल देते हैं, चलो भैया। तो इसी प्रकार बताया गया है कि जो कर्म है साथ होकर के, भगवान को विनती के साथ होकर के, हम सब प्राणी आज माया में फंसे हैं, 8 पहर माया माया को बटोर करते हैं और माया फंस करके हम लोग भगवान तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन माया में जकड़ जाते हैं। और माया कौन है? माता जी, पिताजी, भाई बहन, परिवार आदि, अंडर पिंडर सब इत्यादि जितने हैं, सब माया में फंस जाते हैं, तो काल के देरे में होती है। तो अगर आप सदगुरु मिल जाए तो आपको अवागमन चक्र छुड़ाने के हेतु मिल जाता है, जैसे कि सातवें भावर बताया जाता है, मोक्ष साधन के हेतु गुरुमुख करनी चाहिए, ज्ञान लेनी चाहिए, ना कि जीवन भर में आपको जानना है तब वहाँ तक पहुँच सकते, बैक टू गॉड है, आप वहाँ जा सकते हो, अन्यथा नहीं जा सकते हो। इसी प्रकार से
चंद शब्द के साथ होकर चले मेरे साथ हो जाए और मैं मास्टर अवसर मिल देते हैं। साथ में गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गए कोई बांधे जंजीर। ये जो कबीरदास की दुआ वाली है ये बहुत सुंदर से बताते हैं कि जो जन्मा है संसार में एक दिन उसको जाना है। यहाँ पर कोई रहने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे मेहमान हैं, यहाँ पे हम मेहमान है कि तो ये मृत्यु लोक है, जैसे हमारे पंडित जी बता चुके हैं ये मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक में कोई आज तक रुका नहीं, स्वयं राम आए और चले गए, कृष्ण आए चले गए, क्योंकि ये विधाता का नियम है हर एक को यहाँ से जाना है। लेकिन कहते हैं कि जैसे कैसे जाना है, हमको क्या करना है संसार में, और चार आश्रम बता चुके हैं संसार में, चार आश्रम है। पहला है ब्रह्म आश्रम, ब्रह्म आश्रम को कहते हैं जो विवाह से पहले होता है। ब्रह्म आश्रम 25 वर्ष तक रहता है। 25 वर्ष तक एक व्यक्ति क्या करते हैं थोड़ा हमको बता दे। एक व्यक्ति 25 वर्ष तक ब्रह्म ज्ञान क्या होता है, ब्रह्म ज्ञान गुरुमुख करते हैं और जो ज्ञान हासिल करते हैं ग्रस्त आश्रम में आने पहले, आने से पहले, विवाह करने से पहले, उस व्यक्ति या जो कन्या भी हो उसका पास ज्ञान होना जरूरी है जो ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करे। और 25 वर्ष से जब शादी होता है ग्रस्त आश्रम में, ये ग्रस्त आश्रम कहते हैं, विवाह को ग्रस्त आश्रम कहते हैं, वहाँ पर बहुत कठिन आश्रम होता है जो परिवार पालना है। आज जैसे स्वर्ग श्री दामोदर गाउंडर आज तो शो रखा हुआ है और अपने परिवार को आलीशान बहुत अच्छा से पाल पोस कर बड़ा किया और पुत्र को इस काबिल बनाया कि आज उस पुत्र सभा में अपना नाम एक उस्ताद बना चुके हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो ग्रस्त आश्रम में क्या होता है, ग्रस्त आश्रम में जीवन हम व्यतीत करते हैं, शादीशुदा जीवन, और होता है 60 वर्ष तक, 60 वर्ष तक ग्रस्त आश्रम खास होता है, 60 से 70 से फिर वनप्रास्थ और वहां से संन्यास। कलयुग में वनप्रास्थ और संन्यास को क्या कहते हैं, पहले क्या होता सतयुग में होता था वनप्रास्थ, जाकर वन में तप करते थे, कलयुग में नहीं, कलयुग में समाज के कार्य करना है। समाज के कार्य कैसे करना है, किसी मंदिर में या संस्था के साथ में मिलकर समाज के सेवा करना है, परोपकार करना है, इसको कहते हैं। आए हुए हैं दो चार शब्द है, तो बहुत सुंदर विषय है। कहते हैं कि ये संसार जैसे पंडित बता चुके, संसार है माया संसार है, हम सब माया में लिप्त हैं, लेकिन साथ साथ हमको भगवान का नाम भी लेना है, भगवान का नाम लेकर इस संसार से तर जाना है, ये हमारा काम है। कहे भरत भावी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हानि राव जीवन मरण यस देव जस विधिहार, रामायण के छुपाई है। और भरत को समझा रहे हैं मुनि जी कि आज दशरथ का मृत्यु हो गया है और क्या हानि लाभ जीवन मरण ये सब ये सब विधि खाते, तो आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास क्या है, जब संसार में हानि लाभ जीवन मरण ये सब ये सब विधि क्या थे, भगवान क्या थे, आपके हाथ में क्या है, क्या है आपके हाथ में, मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपके हाथ में है कर्म, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का गया। दिन रात पूजा किया है लेकिन तभी दुख है, क्या है दुख है, आपका कर्म नहीं अच्छा है, कर्म सुधारो भैया लोग तब जीवन सुख में जीवन व्यतीत होगा और अच्छा जीवन आपके आगे आएगा, ताकि जो हमारे यहाँ के जो रहने का स्थान है, जहाँ रहने का या मेहमान हम रहने का स्थान है,
यहाँ से छोड़कर जिस समय जाए, कहते कबीर दास जी कहे कि जब तुम आए जगत में जग हस मुक्त रोए, जब जगत में संसार में पैदा होता है तब बच्चा रोता है, लेकिन जो लोग वहां पर सब हंसते हैं कि आज एक नया शिशु नया जीव आया संसार में, बेटे या बेटिया आया है, क्या होता है उसके बाद में, कह कि ऐसे करनी कर चलो तुम हंस जगमुख रोए, करनी ऐसे करो कि संसार आपके पीछे रोता है और आप हंसते हुए चले जाते। पिता का शो रखा हुआ है, कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना कार्य सब संभाल कर यहाँ चले जाते हैं भगवान के धाम पहुंच जाते हैं, कर्म अनुसार होता है सब कुछ। अगर करेंगे हमारे समीप श्री मास्टर रजनेश लिंगम है, वो परिवार के बहुत करीबी रिश्ते हैं, दो चार शब्द जरूर इस परिवार के प्रति कहेंगे। मास्टर जी, काकी जी, सीमा अप्पा जी जो वहाँ बैठे हैं, और रेकी रेकी वन वाले वो वेस्ट से जितने भी परिवार आए हैं, सबसे पहले तो काका जी उनके परिवार की ओर से आपका हम स्वागत करते हैं। उनके आंगन तले आप अपना समय निकाल कर आए हैं परिवार के दुख बांटने के लिए, इसके लिए विशेष आपका अभिनंदन और हम धन्यवाद देते हैं। अप्पा जी तो हमारे काफ़ी करीब थे, आना जाना लगा रहता था, बहुत ही मिलनसार और प्रेमी व्यक्ति थे ये। और पिछले शनिवार को हम घर पे थे तो लगभग 5:45 के समय काका जी ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि हम अप्पा को लेकर वालेलेबू हेल्थ सेंटर गए हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो सिचुएशन कुछ अच्छा नहीं था, काफ़ी सीरियस थे ये। नर्स और डॉक्टर्स ने कोशिश किया इन्हें रिवाइव करने के लिए, फिर वहाँ से अप्पा जी को एम्बुलेंस में लाद कर CWM हॉस्पिटल ले गया, और लगभग करीब 9 बजे के समय हमें ये छोड़कर इस संसार से चले गए। भले ही ये चले गए हैं, इनके शव यहाँ पर हैं, लेकिन जितने भी लोग इनसे वाकिफ हैं बहुत ढेर सारी जो मेमोरीज यूँ हम कह सकते हैं, बहुत ढेर सारी मेमोरीज ये छोड़ कर गए हैं। हम जब काका जी से हमारा जो परिचय है वो कुल मिलाकर लगभग अभी से 20 साल पीछे हुआ। उस समय हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, काका जी का ट्रांसफर सब साबू में हुआ और उस समय ये रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में काम कर रहे थे। तो हमारे जो पिताजी है वो कमेंद्रा भारतीय पाठशाला में मुख्य अध्यापक थे। तो काका जी सुबह से नए नए गए, उसी समय हमारा इनके परिचय हुआ, फिर अप्पा जी सब साबू आए, फिर हम भी जब सुबह आते थे इनसे परिचय हुआ, उसी तरह से जो यारी रिश्तेदारी है वो बदलती गई। और हमारे जानने में अप्पा जी को हम जब से जानते हैं बहुत मेहनत करके इन्होंने अपना जो घर द्वार है बनाया है, एक बेटा बेटी दोनों के परवरिश की है। और अभी से लगभग 3 साल पहले पाटी जी का जो देहांत हुआ और इन्होंने उसका भी क्रिया किया है, और आज दुख की बात है कि इनका हम जो क्रिया है वो कर रहे हैं। बद्धुगण, जैसे हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी जी ने कहा है कर्म के बारे में, थोड़ी सी मैं रोशनी डालूंगा। हम सभी जानते हैं कि जो मौत है ये निश्चित है, इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब एक माँ गर्भवती होती है तो हम जान जाते हैं कि 9 मंथ्स बाद बेटा या बेटी पैदा होगा, लेकिन ये जो है हमें भगवान ने नहीं बताया है कि किस समय आपको जाना है। कभी कभी लोग हमें जब किसी का डेथ न्यूज़ मिलता है तो हम कहते हैं अरे कल्ले परो तो उससे बात करा रहा, इतना अच्छा रहा, कैसे हुई ये? तो आप देख सकते हैं मौत निश्चिंत है, हमारी एक सच्चा साथी है जो हमारे साथ जाएगा। तो जैसे हमारे प्रधान जी मनली जी के प्रधान जी ने कहा है कि इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, तो कैसे तैयार होना चाहिए बंधुगण? हमें अपने आप को कर्म अनुसार हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। अभी जैसे आप जानते हैं कि उधर नॉर्दर्न डिवीजन में हमारे जो भाई है यार दोस्त है उनके ऊपर दुख पड़ा है, तो अगर आप एक दो परिवार का मदद कर दे तो वो एक छोटी सी सीख है, एक छोटी सी कर्म वाली बात है, उनका जो आशीर्वाद है तरंतार आपको कर देगी। और जो बच्चे हैं खासकर आपके लिए हम एक चीज़ कहना यह आए हैं, उसी तरह से 16 जो कुछ भी भजन कीर्तन इत्यादि यहाँ पर रात्रि को होगा, आप आइए परिवार को लेकर आइए, अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ भजन गायक हैं आप भी आइए, ताकि
जो परिवार के ऊपर जो ये बोझ है, हम सब मिलकर इसे हल्का कर सके, क्योंकि ये जो घड़ी है आज यहाँ पर है मार्च में मेरे ऊपर की हमारी माता जी का ध्यान हुआ। हम जानते हैं कि किस तरह से हमने अपने माता जी का जो अंतिम संस्कार है वो किया है, और आज काका जी अपने पिताजी को कर रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना कि अरे ये तो सिर्फ एक शरीर है, लेकिन जब हम एक रिलेशनशिप में बंध जाते हैं किसी के साथ में, तो कठिनाई पड़ता है जब एक करीबी रिश्तेदार की देहांत होती है। तो बंधुगण, आप सभी यहाँ पर आए हैं परिवार का साथ दे, ताकि अप्पा जी का जो अंतिम संस्कार है डिग्निफाइड हम यहाँ से लेकर जाएंगे, वो हम भली भांति कर सकें। और हमारी तो यही प्रार्थना है, हमारे हमारे परिवार की ओर से यही प्रार्थना है कि जो परिवार के ऊपर दुख पड़ी है, भगवान परिवार को आशीर्वाद और सहायता दे, ताकि वो इस समय का जो मुकाबला है वो कर सके। और साथ में जो शव हमसे बिछड़ा है, जो आत्मा हमसे बिछड़ा है अप्पा जी का, भगवान से यही प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी उसे मोक्ष, सदगति और शांति प्राप्त हो। अंत में सभी को सुनने के लिए विशेष धन्यवाद है। और भाई जी, प्रधान जी हमारे, जैसे कि आप जानते हैं कि श्रीमान ओम प्रकाश जी हमारे मंडली के बहुत इन्होंने सहयोग दिया है। हम जब रामनवमी, कृष्णाष्टमी इत्यादि करते थे, काका जी हमारे मंडली में आकर प्रचारक लाकाम जो है वो करते थे, अप्पा जी भी उनके साथ आते थे, तो हमारी मंडली की ओर से जितने मेम्बरान हैं उनकी ओर से भी श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। अंत में सभी को सुनने के लिए विशेष धन्यवाद। सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी आपके शुभ विचारों के लिए, और परिवार के करीबी रिश्तेदार धन्यवाद आपके। और आग्रह करें जो परिवार गण है अपना कार्य करते रहे, और आरती उतारते रहे, जो कार्य करना है करते रहे, और जो भाषण करता करते रहें, चलते रहेंगे, ताकि कोटा पास 11 यहाँ से हम शो को उठाएंगे। और आप सभी को एक विशेष सूचना है, बस रेवांगा के बस आ चुके हैं, वो यहाँ से आप सबको डिग्निफाइड ले जाएंगे। हम कोटा पास 11 यहाँ शो उठाएंगे, यहाँ से डिग्निफाइड ले जाएंगे, लौट कर फिर यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि आप सभी के लिए यहाँ पर भोजन का प्रबंध है। और आप लौट कर आकर आप सभी जानते हैं उसके तरफ से ये सुख शानुभूति वो प्रकट करते हैं, जो आ नहीं सकते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य यहाँ होगा अच्छा से होगा, आप सभी के सहयोग से होगा, और यही प्रार्थना उनका रहेगा। और जो जो परिवार दूर दूर से आए हुए हैं, जो दुखित परिवार है, उसके प्रति ये जो अपना जो सुख शांति प्राप्त करते हैं। और कहते हैं, क्या भरोसा इस देह का बिनसत जात चन्माई, कहें श्वास श्वास सुमिरन करो और यत्न कचुना, यानी भरोसा नहीं है शरीर का, कब हमसे छूट जाए, कब से हमसे बिछड़ जाए। तो एक बात ये कहा कबीरदास ने कि श्वास 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 सुमिरन करो, भगवान के नाम लियो, श्वास 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 सुमिरन करो और यत्न करो, और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, अपना कर्म करो, भगवान का नाम लेते रहो, चलते रहो। कभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर राम राम भी नहीं बोलते, मेरे प्यारे भाई, राम के नाम जब जिब्बा पड़ेगा तो जिब पवित्र होता है, राम के नाम जिब में, राम के नाम या कृष्ण के नाम जिब में पड़ेगा, जिब्बा पवित्र होता है, हमारा मन पवित्र होता है भगवान के नाम से। तो कभी लोग ये भी नहीं बोलते हैं, तो प्रार्थना है हम यहाँ के स्थान, यहाँ के जगह हम बना घर बना लिए हैं, सब कुछ यहाँ के लिए बना, लेकिन वहाँ क्या बनाए हम, वहाँ को स्थिति भी बनाना जरूरी है। कैसे बनाना है, अच्छा कर्म पुण्य कमा के, पुण्य कमा कर हमको वहाँ के बनाना, ताकि जब वहाँ जाए तो निरंजन हेमराज पूछे, भैया क्या करके आए हो तुम, कौन सी कर आपके हम भेजा था, किस कारण से क्या करे आप, जिंदगी भर का ये आराम करके गुजार के क्या नाम लिया भगवान के, का उपकार किया, तो उस समय आप क्या बोलोगे, उस समय आप क्या बोलोगे, क्योंकि आप किया नहीं, तो अब भी समझ जाओ ये समय है हम सब का, अब भी समझ जाओ।
वक्ता ने कहा है, मास्टर जी कहा है कि जैसे आप लोग ने आकर सोरा रोज जो अभी तक से मृत्यु हुआ है अभी तक आपने मदद किया है, और साथ में ये प्रार्थना है जिस अंतिम क्रिया तक आप साथ देते रहेंगे, और जो भजन मंडली गायक है या भजनिया है तो आकर अपना एक जो भजन हम भी गाते हैं भजन भैया, तो भजन क्या होता है आकर किसी ग्राह पे गाएंगे आपको उपकार होता है, आपको पुण्य मिलता है भैया, उसके कारज आप निकालते हो, आपके कारज के जो कारज आप निकालते हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अनुसार भजन इत्यादि गीता पाठ होता है तो उसके मुताबिक हम करते हैं, तो जो कोई आए उसकी सेवा करता है मदद करता है वो पुण्य कमाता है, पैसा धन तो बहुत कमा लेता है पुण्य कमा लो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो यही प्रार्थना है। ओम श्री गणेशाय नमः, वक्त्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि सम प्रभा, निर्विघ्नम कुर मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा, शुक्लाम धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्न वदनम ध्यायते सर्वविघ्नो प्रसहते, विनायकम गुरुम भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मां सरस्वती परनाम्यादु सर्वकार्येषु सर्वदा, मंगलम गुरुदेवाय मंगलम ज्ञानदायिनी मंगलम पार्थिवासाय मंगलम सत्यसायिनी, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद सार्धिके शरण त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर् भवतु मे सदा, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरवे नमः, अखंडम मंडलाकारम आप्तम येन चराचरम गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणिनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अपना जो कर्म है वो करने के साथ होती है स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग आत्मा श्रीमान श्रीमती मुनस्वामी गांडर के पुत्र स्वर्गीय आत्मा श्रीमान और श्रीमती पंडित पुष्प सिंह शर्मा के दामाद, स्वर्गीय भारती देवी गांडर के पतिदेव, सदाशिवन के भाई, माधवन गांडर के भाई, विशा विठल के भाई, श्रीमती सरसनाथ शर्मा के भाई, श्रीमान ओम प्रकाश गांडर के पिताजी, श्रीमती सीमा प्रकाश गांडर के ससुर, श्रीमती बबीना मिनीता माला के पिताजी, विजय रत्नम केशवानंद जी के साड़ू, गंगाधरन के साड़ू, धारणा देवी वीना देवी प्रेम रेणु सत्याव्रत पंडित प्रपोचन शर्मा, सज्जन शर्मा संजय शर्मा शैलेंद्र शर्मा जी के जीजा जी, राकेश आनंद अविनेश भावना सपना प्रीतिना साहिल संदीप सुमित विठल के मामा, मोहन रेड्डी मोनिता रेड्डी मनहर रेड्डी रमनिक प्रशांत शेली राधिका रितुशाली अमिता नितेश रत्नम पिंकी
दीपिका, नील बच्चू, किशन, आनंद साई कृष्णा के मौसा, वेद शर्मा, गौरी शर्मा, रवि शर्मा, ऋषि शर्मा, लक्ष्मीवेरन शर्मा के फुफा, श्रीमती सुबा नायकर के समधि, विनायकम, शिवम, शरफ, प्रणव, विकी नारायण के आजा, नैतिक के नाना, केनेडा से शांति मामी की शांति मामी सास, वालिकू श्रीमती अपुनाय, श्रीमान और श्रीमती आशा राव के जीजा, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, केनेडा से, यूएसए से, वीती लेबू से, वनवा लेबू से, बा लटोका से, अलिंगटन रेकेराकी से, जितनी परिवार वीती लेबू में है, जितनी परिवार वनवा लेबू में है, जितनी परिवार अमेरिका आदि में है, जितनी परिवार न्यूजीलैंड कनाडा आदि में है, सभी परिवार ने अपनी अपनी सहानुभूति प्रकट किया है कि जो दामोदर गांडर जी सभी परिवार को छोड़कर भगवान को शरणागति की। मैं आचार्य पंडित हरीश शर्मा द्वारा जो हमारे जीजा जी हैं, आज इन्होंने अपनी बहन और भनोई को छोड़कर सभी परिवार को छोड़कर भगवान को शरणागति की। ये साउथ इंडियन थी और पूर्विया में होती है, जैसे कि हमारे जो पत्नी है उनकी नंदोई आज अपनी निमित अनुसार भावार्थ सरज को छोड़कर साला जी को छोड़कर भगवान को शरणागति की। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि अपने जीवन को लक्ष्य में रखकर जो संयम नियम के साथ करनी चाहिए करनी योग है, और साथ में जो आदान प्रदान की जाती है जिन 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 लोगों ने अपनी योग का दान इस परिवार को दिया है, ओम प्रकाश गांडर अपनी परिवार से धो करके यही कहते हैं कि थैंक यू वेरी मच दृष्टि हो। और अब हम यहाँ से जो आखिरी संयम नियम को करते हुए और डिग्निफाइड की ओर हम चलेंगे, मेरे साथ हो जाए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, बोलो रघुपति राघव राजा तेरो नाम, सबको सर्वति दे भगवान, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सर्वति दे भगवान, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान तू है सबका स्वामी, तू है अंतर्यामी, तू है अंतर्यामी, तू है अंतर्यामी, राम रमैया कृष्ण कन्हैया, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, गोवर्धन गिरिधारी, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान। ओम दो शांति अंतरिक्ष त्वं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय, शांति वनस्पतय शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं।
कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, पेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, पेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रताया से दामोदरम प्रताया से उत्तर प्राप्ति सहित अमुक पंचाली धनिशन चत्ते तो पदिष्ठान राम नाम पंचक गणित में शांति में प्रदो भव हृत आत्मा शांति 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 राम नाम सत्ये राम नाम दुर्वाभाग्य चक्र निमित्तम तो प्रतिष्ठां राम रामेति 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 मरोरमे सहस्र राम नाम वनारे अर्जव गंगा शब्द मोक्षदायक राम नाम सत्ये पंचक शांति में प्रदो भव हृत आत्मा शांति ही राम रामेति 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 मरोरमे सहस्र राम नाम गंगा शब्द मोक्षदायक राम नाम सत्य राम नाम सत्य। त्र निमितम पंचकली शांति में प्रदोभा हृत आत्मा शांति ही शांति ही शांति ही राम रामेति 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 मनोरमे सहस्र राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। जोड़कर विनती करें कि हे हरिचंद आपके लिए जो कुछ भेंट अर्पण किया है अब हम आगे यहाँ से हर वर करते हैं कृपा दृष्टि कर। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे
माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने उसका पिताजी का जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया है आप भाग लिए हैं, और धन्यवाद के पात्र आप सभी हैं। और यही प्रार्थना है सिर्फ सब मिलाकर दो मिलाकर 100 लोग रह सकते हैं, तो प्रार्थना यही है जो भाई अपने आप सभी से आग्रह है कि इसके ध्यान रखते हुए और ना ज्यादा समय लेते हुए आपको एक प्रार्थना है। कहते हैं कि आए थे मुक्ति मार्ग की जो माँ की गोद में, आए थे मुक्ति मार्ग की जो माँ की गोद में, जाने लगे तो हाथ पसारे चले गए, चलते थे अकड़ के लिए जिन्हें दौलत पे था नाश, सब यही के सहारे चले गए, इतनी बड़ी जागीर थी कुछ काम ना आए, थोड़ी सी जगह लेकर किनारे पे चले गए। मेरे श्रोता भाई बहन माता बच्चों, समय के भाव के अनुसार जितने लोग अंदर में उपस्थित है जो समुदाय, ये अत्यंत दुख की विषय है कि आज हमारे मंच से भाई श्री दामोदर रामदेव जी का भी इंसान के जीवन में दुख आता है, सुख आता है, सुबह होता है, शाम होता है, रात होता है, इसी प्रकार से जीवन का विलोम यानी उनके जीवन का विलोम मृत्यु है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्मात्प्रारभते न तमं शोचते अर्हसि, अर्थात इसका मतलब जो भी प्राणी जन्म है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, चाहे आज कल या पर जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में, ना कोई इसे हम बदल सकते ना आप, हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, इसकी उंगली ऊपर वाले के हाथ में, हम सिर्फ अपने अपने व्यक्ति पेश कर सकते कि इस अमुक व्यक्ति का विधि कुछ कारण हो गया या कुछ कारण हो गया। खासतौर से मृत्यु के पांच विशेषताएं है, पहला जो है आयु, मृत्यु कोई भी आयु में होता है, शिशु होता है या लोगों की उम्र का या वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बहाना, मृत्यु को एक बहाना चाहिए, भगवान कभी अपना ऊपर नहीं लेता कि अमुक व्यक्ति का विधि का कारण मैं हूँ, कोई भी स्थान पर मृत्यु होता है चाहे अफ्रीकी में रहे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, किसी भी देश में रहे, लेकिन हमारी मृत्यु होगी। चौथा जो होता है समय, मृत्यु किसी भी समय होता है, सुबह, मिड डे, रात्रि को, शाम को, और जो पांचवा है आखिरी, जिस दिन जिसको मरना है, देखिए सुनो, जिस दिन जिसको मरना है उस दिन उसको मरने से कोई भी नहीं हो सकता है। आज मैं क्या करता करने जा रहा हूँ, खासतौर पर अपना जो भाषण है सिर्फ ये हमारी सनातन धर्म नहीं होती, सभी मजहब में होता है,
हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल में भी इसको बहुत भरी बातें बतलाई गई है। चैप्टर 11 वर्स 25 में जॉन ने कहता है, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, ही दैट बिलीव इन मी दो ही विल डे एक्चुअली ही। बहुत सुंदर अक्षरों में कहा गया है। इसी प्रकार से हमारे ग्रंथ पुराण में भी देखते हैं, पुराण में क्या कहता है, रसूल आलम पे आया आपने चैप्टर के लिखा है ऊपर क्या कहता है, each of us is dead and we provide good and evil for body, यानी कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो यही बात देखिए सभी लोग कह रहे कि मेरा में क्या होता है, वकुलु नफ्सिन जैदुनो, वकुलु नफ्सिन जैदुनो। इसी प्रकार से गुजरात में क्या बड़े का व्यक्ति मर जाएगा, गुजरात लोग कहते हैं बड़े का व्यक्ति मर जाएगा, आप सभी को यह समझा रहा हूं, चाहे कोई मजहब को कोई जात को, लेकिन हमें एक दिन जैसे हमारे ऋषि ने बताया, एक दिन हमें इस मृत्यु लोक पर छोड़कर जाना है, यही सत्य है। साबितु ना हिसो मशीन जगदीश कहते हैं, और हमारे खुद तो डेनी डेनी के भाषा में क्या कहते हैं, इसके जो ये मृत्यु है वो बहुत ही सराहनीय है। देखा जाए तो देवी सुंदरों श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को आत्मा और शरीर के विषय में समझाते हुए क्या कहता है कि हे अर्जुन, जो ये आत्मा का कभी नहीं बनता, जो बनती है तो शरीर बनता है। चिंता नहीं यथा क्या है न देते मृत्यु में वह कदाचित नयम भूत व अभूत व अभूय शस्त्रों के कारण मानो हंस के हरने वाले शरीर, क्योंकि जो ये हमारा आत्मा है ये सनातन है नित्य और पुरातन है। वसांसी की नानी यथा क्या है ना वाणी क्रीड़ी ना प्राणी तथा शरीर रानी ना वाणी शक्ति देश का मतलब है कि हम मनुष्य जैसे अपने पुराना वस्त्र को बदल कर नया वस्त्र पहनने के कपड़े, इसी प्रकार जो है हमारे आत्मा है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में ही मिल जाता है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम देहि पावकम् न चैनम कलन्दति आपो न शोष्वति मानुकम्। ये जो हमारी आत्मा है इसे किसी हम वस्त्र से काट नहीं सकते, उसे हम अग्नि से धो नहीं सकते, हवा से सुखा नहीं सकते, क्योंकि ये हमारी जो आत्मा है ये अजय है अमर है और अविनाशी है। मैं आप सभी को ये विनती करता हूँ कि आप जो भी मजहब को मानने वाले हो अपने अपने निराला ढंग से भगवान से यही विनती करो, मैं दामोदर जी का और आपको आत्मा है संसार गति पर हो और अपने अपने निराला ढंग से भगवान से विनती करो कि इसे सब जगह हमको प्रण करें। मैं ये काली पुलिस के हैसियत से काली मैं प्रया करता हूँ, जो सिर्फ प्रया का मतलब होता है विनती करता हूँ प्रार्थना करता हूँ भगवान शंकर से कि आत्मा है उसे आपके बाद जाते भगवान शंकर जो हमारा जो कमस्कार होते हैं आपके पूजा पाठ बिना अभिनंदन की हरे रहना की कड़ी हुई थी ये नदी उन्होंने पूजा लगी है अरुण के पता है उन्होंने ये फिर तो भी आई उसकी प्रयोग की थी फिर आप इसके लिए इतना दर्द की संधि है इतना ही मैं जो पढ़ के रख पा रही कोई गला कोई फिर फिर सारे सेवा का भी के साथ में मेरे अन्य एक टूला पर नटा जाए भगवान आप सभी को दिवोचन भैया जी आपके बड़ा सुंदर विचारों के लिए और सत वचन के लिए। हेलो जी हाँ मास्टर राजेश जी का और धन्यवाद धन्यवाद के बाद मास्टर राजेश जी का द्वारा दिया जाएगा प्रार्थना है। मास्टर राजेश जी का आइए देते हैं जल्दी जल्दी से हम सभी का नाम पढ़ दें
सदा शिवन सावित्री राकेश रेखा फैमिली न्यूजीलैंड से अखिलेश गांव फैमिली न्यूजीलैंड पिशा पीथल एंड फैमिली ये श्रीमान दामोदर गांवदर जी के मोबली बहन है तमकुआ में है श्रीमान महात्मा गांवदर जी लोकपाती से इनके परिवार को भी हम धन्यवाद देते हैं चंद्रशेखर रेड्डी जी बाँस से केशवानंद कृष्णा नकासी धर्मा रेड्डी एंड फैमिली लोकाला बीच विजय रत्न एंड फैमिली समोला प्रणील ज्योतिका मेहमान परमानंद शैलेंद्रानंद सभ्यानंद कैनेडा श्रीमान श्रीमती पासवानंद एंड फैमिली ओकलैंड न्यूजीलैंड से श्रीमान शारदानंद एंड फैमिली क्राइस्टचर्च से श्रीमान एंड श्रीमती राम स्वामी अन्नामले यज्ञेश्वर गोविंद स्वामी नगरिया सब साहब से फिजी टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान अग्नि देव सिंह जी फिजी टीचर्स यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीमान मुनियप्पा गांवदर और जेटी भी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेम्बर थे मिस्टर रामलिंगम नंदावा मधु रोहित नंदावा अधीश्वर सोनिया लिंगम डनिगन श्रीमती परमिलावती ओकलैंड न्यूजीलैंड से आचल प्रसाद वेलिंगटन न्यूजीलैंड से मिस्टर अंबिका प्रसाद अभिलेश एंड अभिषेक वेलिंगटन से इन्होंने अपना साथ जो कंडोलेंसेस है भेजा है श्रीमान मनोज शर्मा जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मिस्टर गोविंदा ईश्वर लिंगम इनके फैमिली है जे यू हाइट्स से मिसिस सुभा नायकर शले नायकर रवि रेशमा बोग विजय USA से इन्होंने अपना जो कंडोलेंसेस है फैमिली के लिए भेजा है हेम गोपालन सिडनी से जयराज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सत्या भारत चंद्रा कैनेडा से संजय शर्मा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्रभत चंद शर्मा वेद शर्मा यूनाइटेड स्टेट्स से इन्होंने अपना श्रद्धांजलि और प्यार आशीर्वाद फैमिली के प्रति भेजा है लक्ष्मी शर्मा कैनेडा नील जेम्स एंड प्रेम स्वेन मनी सिडनी से रत्नेश नारायण नशे से कृष्णा नायक नेली जयनंद सिंह सिडनी ऑस्ट्रेलिया मिसिस दयानंद सिडनी चंद्रिका प्रसाद बा गंगा एंड फैमिली बा अनमोगम समरेश कमलेश वेक्रेटी से असी ईशा सेन कुमार ओकलैंड न्यूजीलैंड से फैमिली के लिए इन्होंने कंडोलेंसेस भेजा है मेरियन नारायण सिडनी दुपेंद्र नाथ ओकलैंड संजय रेड्डी वेलोकू करुणा शेखरन तमगुआ नेवल उमराव लोटोका अमित प्रसाद लोटोका विकी शांडिल वेलिंगटन न्यूजीलैंड बालगोविंद रोड नंदावा सत्संग रामायण मंडली के जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं जहां पर काका जी कभी कभी जाकर प्रचार करते हैं मंडली के सदस्यों ने भी अपना जो श्रद्धांजलि है भेजा है फॉरन अफेयर्स के स्टाफ और पेट्रल सेक्रेटरी इनकी भी ओर से कंडोलेंसेस आया हुआ है नितेश रत्नम रेकिरेटी विनोद रोज रेड्डी सिडनी नारायण शंकर ऑस्ट्रेलिया शिव रत्नम ओकलैंड सत्या मुदलियार ऑस्ट्रेलिया रुकमणी एंड फैमिली ओकलैंड वीटी विघ्नेश नारायण इनके परिवार नरेरे सत्संग रामायण मंडली दौबाती डॉक्टर विजय नायर जिन्होंने इससे पहले प्रवचन दिया है इन्होंने भी अपना बेस्ट विशेष फैमिली को दिया है अरुण कुमार सिडनी पंडित जी पंडित हर्षवर्धन जी नकासी के रजनेश विद्याराज नरेरे प्रवीण एबर्ट सिडनी ऑनरेबल रोहित रितेश शर्मा जी सुनीता लाल मेलबर्न से सुहा रोटरी क्लब के जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी अपना कंडोलेंसेस भेजा है डेनियल राम सिडनी रजेन राम ये किनोया के हैं ज्योतिषमा लिंगम सिडनी मिथिलेश सामी प्रिया सामी नीलेशनी अनिश प्रसाद ओकलैंड न्यूजीलैंड श्रीमान वेंकटेश परमार इनके फैमिली क्राइस्टचर्च से हसीम शाह बा से और बलराज बाला ओकलैंड से अगर हमने किसी का नाम दम्बाती के श्री सत्संग रामायण मंडली हैं जो कि कल से कीर्तन भजन इत्यादि काका जी के घर पे करेंगे वहाँ से भी कंडोलेंसेस आया है और एक बार फिर से काका की ओर से जितने भी परिवार ने उसे किसी भी तरह से सहयोग दिया है उसे आप धन्यवाद देते हैं अब हम देते हैं पंडित जी धन्यवाद श्रीमान जी चले हाथ जोड़े अपने अपने भगवान से भी दिख रहे अनादिनिदिनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षयं पुण्डिकांशं प्रेतमोक्षात् प्रदो भव प्रेतमोक्षात् प्रदो भव प्रेतमोक्षात् प्रदो भव ॐ द्यौ शान्ति रन्तारिण्यं शान्ति ऋभवे Peace.
शांति चले प्रक्रिया करें इसको बाहर निकाल चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला आज विरह में सपने मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज विरह में सपने खोए खोए नैनों में है उजड़े उजड़े सपने उजड़े उजड़े सपने याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते अब तो ये जग में जिएंगे आंसू पीते पीते जैसी इनके बीती वैसी और किसी पे न बीते और किसी पे न बीते कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले टूट गई है माला मोती बिखर चले दो दिन रह कर साथ जाने किधर चले उड़ती चिड़िया बहता पानी इनकी कहानी किसने जानी उड़ती चिड़िया बहता पानी इनकी कहानी किसने जानी दुनिया वालों सुनो इसी को कहते जिंदगानी उड़ती चिड़िया बहता पानी इनकी कहानी किसने जानी तो है एक
भ्रमता जो वीरे भटकता जो भी किसे पता किसकी शाम कल कहाँ हो वीरे कल कहाँ होगी धरती वालो सुनो ये है शब्द आसमानी उड़ती चिड़िया बहता पानी इनकी कहानी किसने जानी अजीब है ये दुनिया का मेला दुनिया का मेला करोड़ों की भीड़ में है हर कोई अकेला यहाँ हर कोई अकेला Thank you.
संसार के हैं बड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये तमाम रास्ते हैं हम सब के वास्ते, हम सब के वास्ते। चलने वालों सुनो, सफर में रखना सावधानी।